गाइस बिगिन माय न्यू वीडियो। तो गाइस आज के वीडियो में बात करने वाले हैं वीवो Y28 फोन में यूआई कलर सेटिंग गाइस कैसे इनेबल करें। गाइस अगर आप भी अपने फोन में यूआई कलर सेटिंग गाइस इनेबल करके अपने फोन में आइकन्स का कलर गाइस अगर चेंज करना चाहते हैं एक्चुअली गाइस नहीं कर पाते ठीक है, और आपको जो कंट्रोल सेंटर में आइकन्स मिलते हैं या फिर जो एप्लीकेशन के आइकन्स होते हैं ठीक है, उसके कलर को अगर आप चेंजिंग गाइस करना चाहते हैं बट गाइस अगर आप कर नहीं पाते ठीक है, तो मैं आपको बिल्कुल सेटिंग गाइस करके बता रहा हूं अपने फोन में यूआई कलर सेटिंग गाइस कैसे इनेबल कर सकते हैं, अपने फोन में आइकन्स का कलर गाइस कैसे चेंज गाइस कर सकते हैं ठीक है। जो आपको कंट्रोल सेंटर में आइकन से मिलता है या फिर गाइस जो आपको सेटिंग में या फिर एप्लीकेशन का जो आइकन है सभी का कलर गाइस बिल्कुल यहां पे चेंजिंग गाइस हो जाएगा। तो कलर को चेंजिंग गाइस कैसे करना मैं आपको गाइस करके बिल्कुल बता रहा हूं ठीक है। साइड में देखा फोन मिलेगा, इसके लिए पहले फोन की सेटिंग ओपन गाइस कर लेना। सेटिंग जब गाइस ओपन करेंगे नीचे स्क्रॉल डाउन कर लेंगे ठीक है, एक आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा लॉक स्क्रीन एंड वॉलपेपर का, यहाँ पर गाइस क्लिक कर लेना। और यहाँ पर जब गाइस क्लिक करेंगे आपको देखिए नीचे मिलेगा यूआई कलर का एक ऑप्शन ठीक है, इस पर गाइस क्लिक कर लेना। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जितने भी आइकन से सभी का कलर गाइस यहाँ पे चेंज हुआ एग्जाम्पल के जरिए गाइस यहाँ पे दिया गया ठीक है। और यहाँ पे देखिए सिस्टम एंड ऐप यूआई कलर का एक ऑप्शन, इसको इनेबल गाइस कर देना ठीक है, कुछ लोडिंग का ऑप्शन आएगा और यहाँ पे इनेबल गाइस हो जाएगा। अब देखिए जो हमारे फोन में कंट्रोल सेंटर का जो आइकन है उसके कलर को हम यहाँ पे गाइस जितना भी चेंज करेंगे ठीक है उतना कलर गाइस बिल्कुल यहाँ पे चेंज होगा। अभी देखिए हम इसको ग्रीन कलर को अप्लाई कर देते हैं ठीक है, ग्रीन वाले को हमने गाइस कर दिया, ग्रीन गाइस हो चुका ठीक है। जो सेटिंग में भी आइकन से रहता है ठीक है उसका भी कलर यहाँ पे साथ में चेंजिंग होगा ठीक है। और अब देखिए एप्लीकेशन का जो आइकन है उसको कलर को चेंज गाइस करना तो करना क्या, नीचे स्क्रॉल डाउन करना है ठीक है, आपको मिलेगा अप्लाई कलर्स टू आइकन्स, यहां पर गाइस इसको इनेबल कर देना ठीक है। इनेबल कर देंगे ऊपर आ जाएंगे थोड़ा नीचे, आपको देखिए यहाँ पे गाइस कलर्स मिल जाएगा ठीक है, जो कलर गाइस आपको अपने फोन में एप्लीकेशन में रखना है ठीक है आप उसको यहाँ पे सिलेक्ट गाइस करके रख सकते हैं। तो हमने देखिए सभी सेटिंग जो गाइस इनेबल कर दिया, देखिए टोटल हम ऑल बैक आते हैं और हमारे फोन में आप देख सकते हैं जो एप्लीकेशन का आइकन से काफी कलर्स गाइस यहाँ पे चेंज गाइस हो चुका है ठीक है। और कंट्रोल सेंटर की बात करें तो यहाँ पे देखिए इसका कलर गाइस बिल्कुल चेंज हो गया है। और बात करें अगर अपने फोन में हम सेटिंग को ओपन गाइस करते हैं ठीक है, तो देखिए हमने गाइस यहाँ पे सेटिंग को भी गाइस फिलहाल ओपन गाइस कर दिया ठीक है। और इसका जो यहाँ पे लेफ्ट साइड में गाइस आइकन्स बने हैं सेटिंग का ठीक है, उसका भी कलर देख सकते हैं बिल्कुल यहाँ पे चेंजिंग गाइस हो चुका है। तो अगर आप अपने फोन में यूआई कलर सेटिंग गाइस इनेबल करके आइकन्स का कलर गाइस चेंज गाइस करना चाहते हैं बिल्कुल गाइस कर सकते हैं। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक और गाइस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो गाइस मिलते हैं फिर एक न्यू वीडियो के साथ।